किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चंद्रयान 2 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम कम टाइम में सिर्फ 5 पॉइंट्स में चंद्रयान 2 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स मालूम करते हैं। बेसिक में नंबर 1 है डायमीटर। चांद का जो डायमीटर है वो 3476 किलोमीटर है। ये मैंने गूगल से लिया है। बाद में 78 है, बाद में 74 है, लेकिन 76 को आप याद कर लीजिए कि चांद का जो डायमीटर है 3476 किलोमीटर है। उसके बाद मून का अर्थ यानी चांद और ज़मीन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 384,400 किलोमीटर। और चंद्रयान 2 जो लैंड होगा चांद पर जाकर, वो चांद के साउथ पोल पे लैंड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 2 साउथ पोल पे लैंड होगा। और इस कंप्लीट मिशन में चंद्रयान 2 का जो मिशन है, उस मिशन का जो एक्सपेंस आया है, जो खर्चा आया है, वो 978 करोड़ आया है। आइए ये 5 पॉइंट्स मालूम करते हैं। नंबर 1 है लॉन्चिंग डेट। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया। इससे पहले 15 जुलाई डेट रखी गई थी। टेक्निकल रीज़न की वजह से इसको 22 जुलाई को लॉन्च किया गया। नंबर 2, लॉन्चिंग व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी एक एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया है कि चंद्रयान 2 को जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम क्या है। ये लॉन्चिंग व्हीकल है जीएसएलवी मार्क 3। नेक्स्ट है एजेंसी। चंद्रयान 2 ऑपरेशन को कंप्लीट करने वाली जो एजेंसी है वो है इसरो। जब कभी इसरो का नाम आए, 4 पॉइंट्स कंपलसरी याद रखें। नंबर 1, फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 1969 में। नंबर 3, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नंबर 4, इसरो के चेयरमैन है के सिवन। और चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाली एजेंसी है इसरो। नेक्स्ट है लॉन्चिंग प्लेस, यानी चंद्रयान 2 को किस प्लेस से भेजा गया। तो ये प्लेस है सतीश धवन स्पेस सेंटर, और ये है श्रीहरिकोटा में, और श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 2 के लिए जो फ्यूल यूज़ किया गया वो फ्यूल कौन सा है? ये फ्यूल है UDMH यानी अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्राजिन। ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर करें, और चूँकि ये वीडियो चैनल बिल्कुल नया है, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।